आर्ट्स फिजी एवरीबॉडी। सो मैंने अपना फाइनली वॉइस रिवील कर दिया है सेकेंड ही वीडियो में, क्या ही करूँ मैं। सो सबसे पहले तो माफ़ी मांगूंगा कि वो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने पता नहीं क्यों इतनी गंदी क्वालिटी वाली वीडियो भी डाल दी। या यूट्यूब कम कर देता है ना बार, मुझे भी नहीं पता था, फिर पब्लिश करने के बाद पता चला इतनी गंदी क्वालिटी है। तब भी थैंक यू, 83 व्यूज़ आए हैं, शुक्रिया। अब एडवांस में सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इस वाले गेम प्ले में साउंड ही नहीं है। अब देखो मुझे नहीं पता था एजी रिकॉर्डर ऐसे काम करता है कि मैं माइक्रोफोन ऑन करता हूँ तो मतलब कि इंटरनल साउंड ही नहीं आती यार। अब समझा करो, मैं पहली बार ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होता है ऐसा सीन। मुझे लगा था ऑडियो रिकॉर्डर या फिर दूसरे रिकॉर्डर ना लूँ जो अच्छे थोड़े, क्योंकि उसमें ना वो अनोइंग सा बटन होता है ना जो सब कुछ कंट्रोल करता है, वो मतलब वो होता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उसको अब हटा भी नहीं सकते, अब हटाना हो तो प्रीमियम लेना पड़ता है अमीरों वाला, इससे अच्छा तार भी ले लूँ। वैसे ले तो रखी है मैंने, लेकिन तब भी यार बेकार में ऐसे पैसे खर्च करना मुझे नहीं पसंद, पता नहीं यार भी क्यों ली मैंने। तब भी अभी क्या ही बोलूँ, यहाँ पे मैंने फ्री का स्लो मोशन डाल दिया, अभी मिल ही गया है तो डाल ही लेता हूँ। सो पता नहीं अभी फास्ट फॉरवर्ड कब होगा, मैंने पता नहीं क्यों ही डाला ये। सो अब देख ही सकते हैं मैप का स्ट्रक्चर, अरे कम हो गया, मैप का स्ट्रक्चर है पोचिंकी, तो हम आ गए हैं पोचिंकी पे। चौड़ चौड़ में मुझे पता है मर सकते हैं, लेकिन तब भी चौड़ में आ गया, क्या है ना गेम प्ले बनाना है। और हमारे टीममेट भाई का अभी तक पैराशूट नहीं खुला, ओपी पता नहीं कितने साल लगाएगा। तो आ गए हम डबल ग्रीन वाले एरिया में, जहाँ पे ये डबल ग्रीन घरों में कुछ नहीं मिलता है। सामने मुझे मतलब सिर्फ दो वेस्ट दिखे, ये नहीं कि दो उजी या फिर कोई अच्छी गन। तो हमारे भाई को ये लेना था फायर रेंजर, अब बकवास छोड़ो, मिलता हूँ आपको गन लेके। सो मिल चुके हैं मुझे गन, बहुत ज़्यादा ओपी गन है, आप खुद ही देख सकते हो। और ये बंदा सामने छत में बंदर की तरह खड़ा हुआ था, और मैंने इसको पता नहीं बर्स्ट क्यों मारा, जब पता है इसका रिकॉल बहुत कम है स्कॉर्पियन का के वाला। तो अब मुझे डर लग रहा है बंदर की तरह कूद के मेरे सामने ना आ जाए और मुझे ऐसे काम 25 कर दे, तो मैं अंदर जाके लूटने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अंदर जाता हूँ कि मुझे M4 मिलेगी, सामने M4 ही पड़ी हुई है, तो मेरे फट जाती है फुटस्टेप सुन के, आपको नहीं आ रही हो क्योंकि साउंड नहीं है। फिर अपने टीममेट को बुलाता हूँ मैं और दे धराधन से भागता हूँ ना भाई साहब, और M16 निकलती है, क्या ही बोलूँ। फिर अपना टीममेट चिल्लाता है मेरे पीछे बंदा पड़ा है, पता नहीं है वो मार क्यों नहीं रहा। उसको आता है S12 के वाला, और इसने क्या ही डैमेज दिया भाई, S12 के ओपी एकदम, आप भी यूज़ करा करो, एकदम ओपी है। उसके बाद मैं S12 की उठाता हूँ, एक और बंदा रश करता है, मैं मेरी फट जाती है, इतने कम एमओ में कुछ नहीं कर सकता मैं, वैसे तो डैमेज ही है। और हमारे लकी भाई साहब तो ओपी एकदम, अभी पता नहीं करना क्या चाहता है, किसकी वीडियो बनवा रहा है, मेरी वीडियो बना रहा है, खुद की कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पे एकदम कुत्तों की तरह लूट के अच्छे से सब गन लूट लेता हूँ, सब एमओ चुरा के, लेकिन हमारे भाई स्कारल ले जाते हैं, दिल पे दर्द होता है। मैं उसे भिखारी की तरह मांगता हूँ, भाई स्कारल है कहाँ, फिर बोलते हैं नहीं दूंगा। फिर मैं उससे चिल्ला के बोलता हूँ स्कारल दे दे वरना ग्रेनेड से उड़ा दूंगा। फिर थोड़ी लाइन पे आता है, उसने मुझे स्कारल दी, फिर नीचे बंदा था, मुझे उसके फुटस्टेप्स आ रहे थे, पर मैं बंदे के मुंह के सामने ये सब करूंगा, बैकपैक क्लियर करना, वाह। अभी यहाँ पे अपना ओपी गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे मैं नीचे कूदा, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं TP पी लूंगा, कोई बैक स्टैब वैकस्टैब नहीं करने वाला, और बस क्या करना है स्कोप खोलना है, फिर एनर्जी मारना है, क्या ही फायदा कूदने का नीचे। ये बंदा मुझे समझ, यहाँ पे बंदा था लेकिन ऐसा कैंपिंग बिछा के बैठा हुआ था ना भाई साहब, ऐसा है कि मॉर्टल ना जैसे गाड़ी पे बैठा हुआ था ना, कोई नहीं देख पाया, वैसे मैं भी इस बंदे को देख ही नहीं पाया। अब खुद ही देखना, पता नहीं कब से बैठा पड़ा है, एक फुटस्टेप्स नहीं दे रहा है। यहाँ पे जब अपने भाई को बुला तो फिर निकलते हमारे बिल से, अच्छा हुआ इसका एम हमारे टीममेट पे था, चलो आखिरकार क्लियर हो गया। तो उस बंदे को पूरा चाट लेके उसकी लूट को, फिर यहाँ पे आता हूँ, मुझे फुटस्टेप्स आते हैं, हेडफोन अच्छा है ना, और फिर बंदा भी प्रकट होता है, इसलिए अच्छे हेडफोन के वो अच्छे हेडफोन पहने, क्योंकि मैप में हर वक्त नहीं आता है वो, ग्रेनेड तो था नहीं वरना उड़ा ही देता, आपको पता ही है कितना ओपी है मेरा ग्रेनेड, शायद
यहाँ पे बंदा दिखता है, मैं वेट कर रहा हूँ कब ये रुकेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको एक भी फायर मारी ये मुझे बहुत ज़्यादा पेल सकता है। यहाँ पे ये रुका, एम इसके मेरे पे ही था लेकिन मार नहीं पाया बेचारा, इतने तगड़े रिफ्लेक्सेस इसके नहीं है। मुझे वहाँ पे बंदा दिखा, मुझे लगा था वो पिक करेगा लेकिन नहीं किया, रिवाइव खेलेगा। मैंने फिर उसको रश करने की कोशिश की, मुझे लगा फिर से पिक करेगा लेकिन नहीं, ये भाई पिक करने से रहे मेरी, मैं वहाँ से भाग गया, मुझे लगा थर्ड पार्टी हुई है, गोलियाँ चल रही, फिर पता चलता है बॉट भाई है। और यही नहीं, इधर पूरे तीन तीन बॉट आते हैं भाई साहब, शायद चार आ जाते हैं, मैं एक पेलता हूँ मेरा टीममेट भी एक और पेल देता है भाई, मतलब अभी आना है। नहीं, बॉट को भी थर्ड पार्टी इसी मैच में करनी है, ऐसा नहीं जब हम लोग लूट रहे हो आराम से ऐसे बैठे पड़े हो किल्स के, जो कैंपिंग कर रहे हो उनको ना दे। और यहाँ पे फुटस्टेप्स आके मैंने इसको जिगल जिगल पेला, ऑफकोर्स जिगल इज ओपी। यहाँ पे एस्ट्रल फ्यू से फिनिश किया क्योंकि किल तो करने से रहा, मैं इतना ओपी नहीं खेलता मैं एस्ट्रल फ्यू से, तब भी एस्ट्रल फ्यू इज ओपी। मैंने पथ एकदम M4 मिल चुकी है तो लेना तो पड़ेगा, मेरे टीममेट पे बंदे हैं लेकिन नहीं, हम M4 लूटेंगे, टीममेट को तो ना देंगे। और सामने से मुझे बंदा कूदता हुआ दिखा और यहाँ पे दे धनाधन एक हेड और खत्म हो गए। और आखिरकार यहाँ पे हो चुका है पोचिंग की क्लियर। सो मैंने चाट लिया है पूरा पोचिंग की, आ जाता हूँ फ्लेयर पे, आई थिंक दो दो फ्लेयर चली थी शायद, पता नहीं यार क्या सीन था, तो पता नहीं तो दो दो फ्लेयर कहाँ से मिल जाती है, मुझे तो नोवो में एक फ्लेयर नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सोचता हूँ बंदे, क्योंकि गाड़ी थी पता नहीं और स्पॉन थी कि क्या थी। यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ कि सोचा कि फुटस्टेप्स आएंगे, घंटा कुछ आया तो सबसे पहले बूस्ट करने का सोचा, ऑफकोर्स बूस्ट ऑलवेज वर्क्स। आप अपनी मेरी ओम पे ना रिलाई कीजिए, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा। तो फुल बूस्ट रखिए, क्या बोलते हैं मुझे खुद ही नहीं समझ आया, हाँ तो फुल बूस्ट रखिए और आगे जाइए। यहाँ पे मुझे लग रहा था ESP से मैं अपने पूरे जगह को ऐसे स्कैन कर रहा था, पर ESP बड़ा सस्ता था, क्या ही बोलो। यहाँ पे मुझे बंदा दिखता है, थोड़ा काम आया मेरे ESP, और थोड़ा सा एम चौक हुआ लेकिन सांप को मारना तो ऐसे हलवा टाइप है, मिल लिए कुछ ज़्यादा ही एम चौक गया गया इस बार, तो सांप नहीं था ना, सांप बनता तो ओपी रहता। अब पता नहीं यार मेरा क्या ही सीन हो जाता है, कभी खड़े को नहीं पेल पाया, अब देखना वो लेटा पड़ा था तब भी नहीं पेल पाया मैं उसको, अलग ही सीन है। अब ये DP वाले आएंगे उड़ते उड़ते और मैं इनके बजा दूंगा, ऑफकोर्स DP मत यूज़ करिएगा क्लोज रेंज में। सो हमने M249 वाला आता है, पता नहीं स्क्वाड वाइप क्यों नहीं कर पाता, बताऊंगा आपके उसके सीन। पहले मैं हील करता हूँ, लेकिन हील करने से भी पहले मैं क्या करूँगा, लूटूंगा ऑफकोर्स। यहाँ पे M249 वाला आता है, पता नहीं उसने स्क्वाड वाइप क्यों नहीं कर पाता, डुओ वाइप क्यों नहीं कर पाया। मैं यहाँ पे फिनिश करने वाला था लेकिन मेरे टीममेट ने बोला उसको ग्रोजा वाला मिल चुका है, सप्रेस्ट वाला, मैं उस पर जाता हूँ और दे दनादन हेड पे एक बजा देता हूँ उसके, बजाना हाँ बजा दिए। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रेफ करता हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हाँ तो M249 के जो सीन होते हैं ना, जिसके पास 100 गोली होती है ना, वो एम करना भूल जाता है, बस चलाने लग जाता है, पता नहीं है M249 वैसे इतनी तो नहीं पसंद, सॉरी M249 लवर्स। तो चलिए इनको भी चाट लेते हैं, मैंने कॉपी कर दिया किसी का, सॉरी यार प्लीज यार। सबको चाटने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे गाड़ी दिखती है, मेरी फट जाती है कि चार बंदे ना हो पर एक ही बंदा दिखता है। यहाँ पे मैं अपना स्प्रे मारता हूँ, ये ओपी स्प्रे, स्कोप बंद हो जाता है यार, और इसके सेकंड वाला कुछ ज़्यादा ही गंदा स्प्रे था, पता नहीं गाड़ी भी क्यों एम कर रहा था मैं वो पीछे वाले एरिया में। उसके बाद मैं और एमो ढूंढने जाता हूँ, ऑफकोर्स लूटना बहुत ज़रूरी होता है, यू ऑल्सो नो। पता नहीं है एमओ कम थी, मैंने कहाँ पे छोड़ दी थी इतनी सारी एमओ, और ओम की और एमओ मिल जाती है, नहीं भाई टीममेट को ना देंगे, खुद रख लेंगे लेकिन टीममेट को ना देंगे, चाहे 200 गोली मिल जाए टीममेट को दूंगा ही नहीं मैं। और यहाँ पे मेरी सेंसिटिविटी एक्सपोज होगी, ऑफकोर्स सही स्नाइपिंग के लिए मैं अपनी जायरो की 100 कर देता हूँ, और स्प्रे के लिए जब 3x नहीं मिलता तो फिर 200 कर लेता हूँ, ओपी फुल जायरो प्लेयर, आप भी यूज़ कीजिए। और मैं सोचता हूँ ओम वाला यहीं पे रुकेगा, बड़ा चौड़ वाला लगता था, पता नहीं वो अकेला ही क्यों आया, आई थिंक वो जो थर्ड जो दोनों लड़ रहे थे ना पहले, उसी स्क्वाड का कुछ सेकंड बंदा होगा, फिर उसको वो बोल रहे होंगे कि गाली दे के बोल रहे होगा कि भाई जल्दी मर जाओ वरना तेरे साथ खेलेंगे ही नहीं, कैंपर कहीं का होता है, मेरे साथ भी कभी कभी होता है, सॉरी। यहाँ पे और एमो ढूंढने के लिए इसी के एक ही क्रेट में 200 बार ढूंढ चुका हूँ, यहाँ पे पता नहीं है ये वैसे कसम से स्पॉन है कि क्या है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि
बंदा गया तो गया किधर, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था बंदा गया तो गया किधर। अभी तक नहीं मिला। फिर जब जोन स्टार्ट होता है फिर मुझे रियलाइज होता है दुनिया की सच्चाई कि वो बंदा कुछ ज़्यादा फट्टू था, वो तो बस ऐसे ही घूमने घूमने पे आ गया होगा, बस क्या ही सीन थे, वो भग ही गया। ऑफकोर्स ग्रोजा का इतना ज़्यादा डैमेज पड़ा होगा, उसको भगेगा ही। सो फिर यहाँ पे अपने टीममेट को बुलाता हूँ, जल्दी से बैठ जा भाई और मत। सो फिर जोन में जाके मिलता हूँ आपसे। सीन कट क्यों नहीं हो रहा? सो अभी मैंने किसी को नहीं चाटा तो क्या ही करूँ, बोर हो रहा हूँ। मैं सोच रहा ब्रिज कैंप, ऑफकोर्स मैप को देख के आपको भी लग रहा होगा कि ब्रिज कैंप भी होगा, अलग ही सीन थे यहाँ पे तो। घंटा ब्रिज कैंप हो रहा था, बस ऐसे ही मैं अपना टाइम वेस्ट करवा रहा था यार, मतलब टाइम वेस्ट ही हो रहा है बस। कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। अरे यार मैथ ख़राब है मेरी, 7 बच्चे, हाँ 7 बच्चे हैं। अगर मेरे 17 किलो हो गए भाई ठीक ठाक गेम प्ले हो जाएगा, आपको भी बताएं। घंटा नहीं होने वाला, क्या ही बताऊँ। मैं ढूंढता हूँ अपनी सस्ती ओम से, ओम सस्ती नहीं है सॉरी, मेरा स्कोप सस्ता है 4x वाला। मुझे पता है आप भी बोल रहे होंगे ये तो नूब है भाई, 4x से नहीं मार सकते, क्या ही बोलूँ, नूब भी हूँ, 8x से ही मार पाता हूँ ज़्यादातर। मार देता हूँ थोड़े शॉट तो मैं मार ही देता हूँ, इतने शॉट मारता हूँ मैं, हाँ दो ही क्या ही बताऊँ, नहीं स्पॉइल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फुल बूस्ट मारते हुए, क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी कि ब्रिज कैम ना हो, क्योंकि हमेशा बंदे क्या करते हैं सामने जाके लेट जाते हैं, और बंदों पे अगर M4 हो तो भाई ब्रिज कैंप पे आना ही मत, क्योंकि M4 वाले प्लस रेड डॉट या 6x होना भाई आना ही मत। भाई मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब मेरे पास M4 थी, 6x भी था, रेड डॉट भी था, मैंने जो स्क्वाड वाइप किया था ना यहाँ पे, पता नहीं वो मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, वरना दिखा देता आपको, झूठ मत समझना मैंने किया, आपने भी किया होगा। अपने बंदे को बोलता हूँ जल्दी से आ जा, मेरे किल नहीं हो रहे, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ कि जल्दी आओ सीट चेंज कर, तो उससे ड्राइविंग होने से रही, घंटा ड्राइविंग कर सकता है तू, तो कुछ जल्दी सीट चेंज कर लिया। तो यहाँ पे आके हम गाड़ी के ऊपर कूद के जाते हैं ब्रिज कैंप तोड़ने। बड़ी स्लो गाड़ी है, जा नहीं पाए अभी तक, तो एकदम चौड़ में भाई साहब, सीजन 12 का एज बंदा हूँ, इतना छोटा हूँ यार, एस 1 स्टार भी नहीं हो पाया बिना कैंपिंग के किया है ना। और एकदम चौड़ में जाके मैं, साड़ी चौड़ ठंडी हो जाती है मेरी, कहना ब्रिज के बस है मेरी, अभी भी फटती है, तब भी फटती थी, फटती रहेगी, क्या ही बोलूँ। तो चौड़ चौड़ में देखा कोई नहीं है, अपने ग्लिच से भी देखा घंटा कोई था, आ जा भाई, क्या भाई हवा लूट रहे क्या, हाँ आ गया। तो यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ और मेरी अभी भी फटी पड़ी है, तब दिखा है कोई नहीं है, तब भी फटी पड़ी है मेरी, हाँ अब निकल जाएंगे, अब देखना एकदम रोड में भगाऊंगा भाई साहब, एकदम चौड़ होगी देखना, एकदम रोड में ही भगाऊंगा, ऊपर तो ले ही नहीं जाऊंगा, चौड़ इतनी ज़्यादा ठंडी ऊपर जाती है भाई, कहाँ पे रहता हूँ मैं ठंड। तो मुझे लगा था यहाँ पे बेट हो रहा है इसलिए मेरी फिर से फट गई, क्यों फट रही है इतनी, क्या है यार बेट में होता ही क्या है, बस मैं मर जाऊँगा 10 किल में मर जाऊँगा। और 10 किल में होते हुए मैंने भी देखा था कि इधर 10 किल है, जब मैं गेम खेल रहा था फिर मैंने देखा कि बस 6 लोग और हैं, 16 किल गेम प्ले ओपी होगा। तो सामने मुझे एक और यूएस मिलती है, तो मेरी सस्ती सी स्किन लेके मैं जाता हूँ, किसी की भी स्किन नहीं है, यही एक छोटी सी ओपी सी स्किन है, थोड़ी सी ओपी है ना, मुझे पता है इतनी ओपी नहीं है पता नहीं क्या कर रहा। तो फिर मिलिट्री में जोन था, मेरे टीममेट ने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा चौड़ भरी कि मैं एक बारी में फेंस के अंदर चला गया, वरना मैं फेंस के अंदर पता नहीं अटक ही जाती है मेरी यूएजी, हमेशा होता है ऐसा। तो मैं सोचा किधर जाऊँ किधर जाऊँ, फिर मेरे बंदे ने बोलता है ड्रॉप पे चले जाऊँ, मैंने बोला भाई तुम ही सोलो भी स्क्वाड खेल लो, मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ भाई, भाई रश ही खेलना था तो भाई कोई और ही गेम खेल लेता, कुछ और ही खेल लेता भाई, रश ही रश गेम खेल ले तो क्या है यार, पोचिंग क्या है, थोड़ा तो रश होगा ही थोड़ा सा, हॉट ड्रॉप तो है ही पोचिंग की, आपको लगता है हॉट ड्रॉप है पोचिंग की, पता नहीं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप के अंदर आता हूँ एकदम चौड़ में, लेकिन ड्रॉप में नहीं जाता, मुझे पता है कोई होगा कैंपस, तो यहाँ पे मुझे गोलियों की सख्त ज़रूरत थी
ओम के अमो 45 है, वो नहीं फेंकूंगा। नहीं नहीं भाई, ओम के अमो वेस्ट करनी नहीं है, एड्रेनलिन फेंक दूंगा। जब मुझे पता है बहुत ज़्यादा है कि किंग तो होता ही मिलता ही नहीं है, तब भी फेंक दूंगा मैं। ओम के अमो इज मच मोर एक्सपेंसिव भाई साहब, आपको भी पता होगा बहुत ज़्यादा महंगी होती है, खासकर जब टीममेट 25 वो कितने होते हैं, हाँ 20 MO चुरा लेते हैं और सिर्फ 5 MO रखती है। आपको भी पता होगा ना कितने धीरे धीरे ऐसे आप शॉट मारते हो, वरना तो अगर मैं उतर लूँ बॉट को भी ऐसे ही मारता, वो भी रनिंग शॉट, रनिंग शॉट लग ही जाते हैं मेरे थोड़े थोड़े से। हेड शॉट नहीं मार पाया यार रनिंग वाला। आपने सीखा है क्या? सीख लिया तो हैशटैग सीख लिया लिख देना कमेंट्स में प्लीज़, मुझे पता है कोई नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी की चाबी देख रहा था, ये स्किन की भाई साहब चाबी लगी हुई है। हालांकि सीन तो हमारे भाई अभी तक एड्रेनलाइन लूट रहे हैं, इनके भी वही सीन होंगे, M249 के एमओ या फिर ऐसा ही कुछ रखा होगा, हाँ पता ही नहीं। इसने भी ओम ले रखे है क्या? मुझे नहीं पता, देखा तो नहीं था। अच्छा MK थी, अब याद आ गया, बाप रे यही याद नहीं। और देखो मैं फैंसी कितना ओपी ड्राइवर हूँ, बोला था ना बंदे ने इतनी चौड़ भर दी थी मेरे टीममेट ने कि एक के बारे में इनका सही गया था। तो मैं आगे जाता हूँ बंदे ढूंढने की तलाश में, 6 बंदे ही बचे, अच्छा वो कोई किसी को पेल नहीं रहा। क्या ही करूँ, अब ऊपर जाता हूँ, मैं सोचा था और ही ऊपर रोक दूँ लेकिन जोन में था क्या ना मेरी, पता नहीं यार। ओम तो किसी को मिली हो कि, और ओम वर्सेस ओम में हो सकता है मैं हार जाऊँ, ऐसा नहीं कि हमेशा जीतूँ, नहीं है भाई ऐसा नहीं हो सकता। सो यहाँ पे मैं बंदे ढूंढ रहा था, अलग जगह पे लेट क्यों गया मुझे नहीं समझ आता, मैं कंट्रोल बड़ा अजीब से है। ये लेटने वाला बटन ना मेरे कूदने वाले बटन के पास ही है और क्राउच वाले के, इसलिए मुझे ऐसा अजीब सा लगता है। और यहाँ पे पता नहीं मैं टाइम पास क्यों कर रहा हूँ मैं, चलो लाइक एम रखते हैं, मैंने अभी तक लाइक एम नहीं रखा। पिछले वाले वीडियो में आई थिंक आपने 12-13 ऐसे कुछ लाइक रखे हैं, इस वीडियो के लाइक एम होगा कम ही रखते, कितना ही रख सकते, 5 करा दो यार, 5 ही तो बोल रहा हूँ। और हाँ ऐसा मत करना कि अरे 5 है कोई भी कर लेगा, मैं नहीं करता, ऐसा मत करना, आप ज़रूर लाइक करना, आप अपने से ही शुरुआत करना प्लीज़। तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं दिख रहा था, मेरे टीममेट की भी चौड़ बढ़ी जा रही थी, वैसे भी बंदा बहुत ज़्यादा चौड़ का है, अभी अभी गेम स्टार्ट किया है लेकिन चौड़ बड़ी अच्छी है। तो मतलब देख ही लो, बिना गन के घूम रहे हमारे टीममेट किधर गए, अरे किधर गए यार, जूम कर लो यार उन पे, हाँ कूदते कूदते आए, हाथ में गन क्या रखी, MK है ना, हाँ MK है, ओके। क्या ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं इधर, पता नहीं यार, वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। वॉइस ओवर और ये नोटिफिकेशन आता है मत देख, ये बस मेरे ट्यूशन का है, इतना बड़ा नहीं हो, ट्यूशन तो जाना ही पड़ता है ऑफकोर्स, और ट्यूशन का है भाई, मैं ट्यूशन वालों को कुछ बोलूँगा तो भाई साहब देख लिया ना। और हमारे टीममेट की चौड़ तो देखो, बिना गन के घूमने पे आ गए ना, बिना गन के, अब देखना कुछ सेकंड में क्या सीन होने वाले हैं। अगर हाँ देखो ओम का शॉट पड़ा बंदे की, इतनी ज़्यादा फट गई कि वो नीचे ही दौड़ने पे आ गया था भाई, क्या ही बोलो अब मैं बेचारे को। और यहाँ पे ओपी हेडशॉट ऑफकोर्स नहीं था, ये वाला भी तो बस ऐसे ही तुक्के में लग गया। अरे वो क्या है ना, मेरे पास 4x 8x होता तो थोड़ा सा जल्दी मार लेता, 4x में वो बीच में जो लाल लाल होता है ना बड़ा अजीब सा होता है, बीच में एम करना मुश्किल। और मैं इस पर भी ओम थे तो मैंने सोचा कि जाके गाड़ी लेके उसकी 8x या 6x ले लूँ, इतने मतलब ये नहीं कि बंदे पेल रहे हैं मुझे चिकन भी करना है, नहीं 8x और 6x लेना है, लूटने की आदत तो नहीं जा पाएगी भाई, नहीं ही जा पाएगी, क्या ही बोलूं मैं। सो फिर ये बंदा पता नहीं उसको क्या ही सीन ओढ़ते, तो मैंने पूछा कि ये कर क्या रहा था पीक करके, फिर बोला कि आगे बंदे हैं, मैं ओम वाले पे ले जा रहा था, फिर पता था आगे बंदे हैं ना, मैं फट गई। यहाँ पे एक बंदा दिख रहा था और फिर से कंट्रोल के साथ कुछ हो गया, क्या बोल सकता हूँ, हमारे भाई का ओपी नेड जो घर के बाहर बटा, यहाँ पे बंदा आता है और एम लॉक करके बहुत गंदा एम मारता हूँ मैं इसके हेड पे, यार 8x होता तो कतई जल्दी मार, बहुत गंदा बहाना था। तो फिर यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे फुटस्टेप्स आते हैं लेकिन अपने टीममेट को नहीं बचाएंगे, साजिश है भाई साहब,
देखना आप क्या होगा सीन। तो यहाँ पे आगे मुझे आ रहे थे कि एक बंदा चल रहा है, ऑफकोर्स नॉक, बंदा चल नहीं सकता। मेरे टीममेट का नेट था, आपको लगा होगा कि मेरे एनिम का है, लेकिन टीममेट का था इसलिए वो पीछे अभी तक बचा हुआ है। क्या यार, फर्स्ट एड वेस्ट करा देता है। तो यहाँ पे मैं चौड़ चौड़ में आता हूँ, बंदे कहाँ पे, पीछे डीपी वाला मिलता है मुझे, साउंड नहीं मिल रही होगी, और यहाँ पे ग्रोजा से ही पट जाता है हमारे भाई। ग्रोजा नहीं थी, सॉरी गलत पढ़ा मैंने, मैं तब देखा तो स्कारल थी। अच्छा, इस बंदे पे भी स्कारल, लेकिन पीछे लटकी हुई थी ये, आई थिंक पता नहीं यार कौन सी गन से मार रहा था। और फिर हमारे रिकॉर्डर यहाँ पे नशे कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग इधर ही रुक जाती है। ओपी। अब देखिए, आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी एक्सेंट में बोल रहा हूँ। फिर तो क्या सीन होता है, मेरा वो नशे कर लेता है मेरा रिकॉर्डर, और ऑप्शन आता है कि मेरा स्टोरेज थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। तो फिर क्या ही बोलूँ, स्टोरेज ख़त्म हो रहा था, उसने वहीं पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। अब चिकन हुआ था, मैं आपको वो भी दे दूँगा स्क्रीनशॉट, पता नहीं मैंने क्यों खींचा था, पता नहीं अगली बार खींच के लूँगा, काम आता है। तो उसके बाद पता नहीं मैंने सीन क्यों डाला, कुछ और डाल देता TDM का स्नाइपर माउंटेड सस्ती क्वालिटी वाला, पर यही डाली, थोड़ी लंबी सी थी क्या। तो फिर मैं जहाँ पे लूटने गया था उस बंदे को, जहाँ पे मैंने मारा था वहीं पे लूटने जा रहा था मैं, तो जहाँ पे मैं पहले से रश मारा था वहाँ पे एक बंदा आता है, ठीक है, वो बंदे के लास्ट फुटस्टेप्स थे जो मैंने सुने थे घर आने के वक्त, उसके बाद एक फुटस्टेप्स नहीं आए उसके घर में जाने तक से लेके मरने तक। मैंने हाथ में ग्रेनेड पॉप किया, ठीक है, वो नहीं हिला, ग्रेनेड मैंने 4 सेकंड में फेंका, टिक टिक होके हो रहा होगा, वो नहीं हिला, ग्रेनेड फट गया, उसकी क्रेट बनी पड़ी थी, अनफॉर्चुनेटली वो हिल नहीं पाया बेचारा, RIP। और हाँ, कमेंट में RIP हैशटैग RIP रिकॉर्डर लिख देना, आपको शाउटआउट मिलेगा अगली वीडियो का, जिसका कोई फायदा नहीं है, लिख दो यार, और 5 लाइक भी कर देना प्लीज़ यार, बहुत मेहनत लगी थी इसको, मुझे तो हलवा ही यूट्यूब चैनल बनाना, लेकिन ओ भाई पागल हो चुका हूँ मैं, इतना बोर हो चुका हूँ ना बैठ बैठ के, मुझे चलना पड़ रहा है हर पूरे रूम पे। अब रूम थोड़ा सा लंबा सा है, तो क्या ही बोलूँ, तो लंबा चौड़ा सा है। तो फिर उसको लूट, मैं उसको भी लूटने से ले जाता हूँ, फिर उसको आराम से लूटते लूटते मैं, जब मैंने पूरा लूट लिया था, जब उस पर ज़्यादा लूट नहीं थी, ऑफकोर्स मेरे पे ग्रोसा रॉम है, क्या ही लूट ले सकता हूँ उससे, थोड़ी 7 की एमो भी नहीं थी, स्कारल थी उसके पे, और बाइसन, मतलब इतनी सस्ती गन कहाँ पे कैम्प कर रहा था वो। फिर जब मैं घर के बाहर था, क्योंकि घर में मुझसे बैठा नहीं जाता, घर के बाहर से मुझे एक बंदा लौंडा लेटे लेटे DP पटका रहा है, बेचारे का स्प्रे इतना तगड़ा नहीं था, थोड़ा सा लगा, सबको DP मिल रही है यार, क्या ऑब्सेशन है, सॉरी मोटर लवर्स और DP लवर्स। मुझे वैसे ना असॉल्टर्स की स्नाइपर होती है DP, मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी जब से मैंने स्नाइपर चलाना नहीं स्टार्ट किया, सॉरी पता नहीं क्या सीन हो रहा है। फिर वो बंदा, मैंने उसकी ओम मारने की कोशिश की, हेड दिख रहा था, ऑफकोर्स आपको ओम ही मारना चाहिए, वही उनकी औकात है, तो मैंने उसको साफ ओम मारने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो गया। कितना गंदा स्नाइपर हूँ मैं, DP चलानी चाहिए मुझे। तो तब वो अंदर गया, वो फॉर्चुनेटली जोन मेरे पे था, तो वो अगेंस्ट, वो कहाँ पे पता है DP भी कहाँ पे ले रहा था, मैं जहाँ से मैं लेफ्ट देख सकता हूँ ना, मेरे लेफ्ट को वो TPP ले रहा है, क्योंकि मेरे पे थी गिली सूट, उसको लगा मैं सांप बन गया वो का, नहीं भाई मैं तो एज भी सांप बन के नहीं पहुँचा, एज कौन सा, फर्स्ट स्टार भी नहीं पहुँचा था, इसलिए सांप नहीं बना, यही था सांप बन तो शायद कौन कर रहे औकात के बाहर है। तो फिर वो अगेंस्ट TPP लिया, मैं सोचा ओम मारूँ, लेकिन फिर औकात पे है कि ग्रोजा ही मार सकता हूँ, ओम से अगर हिल गया तो घंटा कुछ हो पाएगा, तो मैं उस बंदे के ओम चिपकाता हूँ, आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट, उसका नाम मुझसे भरा नहीं जा रहा, अब क्या बोलूँ, वीडियो क्यों देख रहे हो, 10 सेकंड आगे कर लो। होगी क्या 10 सेकंड आगे, पता नहीं मैं इधर वेट कर रहा हूँ।
वैसे आपको ये ल्यूटेनेंट लेफ्टिनेंट सॉरी लेफ्टिनेंट पैसेक वाली स्किन कैसी लगी? ठीक ठाक लगी होगी, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा #RIP recorder और भी लिखना कि मैं गेम प्ले बनाऊँ या मॉन्टाज। आपको मिलेगा शाउट आउट और हार्ट फ्री। तब तक के लिए बाय बाय।